नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नोटपैड के बारे में। नोटपैड कंप्यूटर का एक ऐसा बेसिक एप्लीकेशन है जिसके मदद से हम कंप्यूटर में लिखना सीखते हैं कि किस तरह से हमें लिखना है। साथ ही साथ यदि बेसिक कुछ लिखना हो तो हम कंप्यूटर में इसका यूज करते हैं। साथ ही साथ ये टूल्स जितना ही छोटा है उतना ही काफ़ी बड़ा काम के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि प्रोग्रामिंग वगैरह के लिए। और साथ ही साथ यदि आप कंप्यूटर फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो जिसमें आपको बेसिक जितना भी एप्लीकेशन होता है वो आपको सीखना बेहद ज़रूरी होता है, जैसे कि एमएस पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, ये सारा चीज़ आपको सीखना होता है। तो जिसमें हम एमएस पेंट के बारे में पहले वीडियो में बता चुके हैं, आज हम बात करेंगे कि नोटपैड का हम यूज किस तरह से करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो नोटपैड स्टार्ट करने के लिए वैसे तो कई तरीका है, जिसमें हम यहाँ पे सबसे पहला तरीका यूज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन में आना है कंप्यूटर या लैपटॉप जिसमें आप भी यूज कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे जो लिस्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको नोटपैड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर जो मेन ऑप्शन है वो वापस हमें यहाँ पे स्टार्ट बटन पे आना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ऑल प्रोग्राम पे आना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इशू सीरीज पे आ जाना है। फिर आपको इस लिस्ट में दिखाई देगा नोटपैड, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ये दो ऑप्शन हो गया। तीसरा जो ऑप्शन हम बताने जा रहे हैं वो अपने कीबोर्ड में जो आपका विंडोज बटन होता है, विंडोज बटन के साथ में इस तरह का आइकॉन बना हुआ होगा, उसके साथ में आर प्रेस कर देना। जैसे आप आर प्रेस कीजिएगा एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। अब उसमें आपको टाइप करना है नोटपैड। नोटपैड टाइप करने के बाद जैसे एंटर प्रेस कीजिएगा आपका नोटपैड ओपन हो जाएगा। फिर इस तरह से कुछ आपको जो दिखाई देगा पेज वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें ये आपका टूल बार हो गया, जिसमें फाइल दिया हुआ, एडिट दिया हुआ, फॉर्मेट दिया हुआ, व्यू दिया हुआ, और इसके बारे में हम जानेंगे बारी बारी से। फिर यहाँ पे आप बात कीजिएगा, यहाँ पे हम देखिए ये आपका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका मिनिमाइज हो गया। इस ऑप्शन की मदद से हम जैसे कि अगर यहाँ पे जो भी हम वर्क कर रहे हैं और यदि हम इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं, जैसे अगर हम नोटपैड में काम कर रहे हैं और हमें कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज करना है तो हमें ये माइनस वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसका यूज करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए ये जो बीच वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है बॉक्स, इसका यूज हम करते हैं। इसका काम होता है यदि आप अपने स्क्रीन पे जो भी आप नोटपैड यूज कर रहे हो उसको यदि फुल पेज में रखना चाहते हैं फुल पेज में रख सकते हैं, हाफ पेज में रखना चाहते हैं हाफ पेज में रख सकते हैं। लास्ट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस टूल्स की मदद से हम नोटपैड को बंद करते हैं। तो इस तरह से हम नोटपैड का यूज करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको टूल बार, इस टूल बार की मदद से हम फाइल के नया फाइल को क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ फाइल को सेव करने के लिए इसका यूज करते हैं। और इसमें काफ़ी यहाँ पे देखिए फाइल है, एडिट है, फॉर्मेट है, व्यू है और हेल्प दिया हुआ। तो सब टूल्स के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए नोटपैड, अब इसे जब भी हमें बंद करना होगा तो बंद करने के लिए हमें ये जो लास्ट ऑप्शन है क्लोज वाला, इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको बता दिए और शॉर्टकट तरीके से भी बता दिए। अब हम यहाँ पे बंद करने के लिए, जैसे बंद करने के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे क्लोज बटन पे क्लिक कर दें या फिर कीबोर्ड में Alt बटन के साथ में F4 प्रेस कर दें। ये आपका नोटपैड हो गया। अब हमें इसमें किस तरह से वर्क करना है, इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखने के लिए जब भी आप कंप्यूटर सीखते हैं तो इसमें लिखने का प्रैक्टिस इसमें करवाया जाता है, तो इसमें आप लिखने का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरह से कुछ भी आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ नोटपैड जो है ये आपका शुरुआती एप्लीकेशन होता है, जिसको कि आपको इस कंप्यूटर में अलग से इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये पहले से ही जो भी आपका विंडोज है चाहे वो जिस भी वर्जन का हो उसमें ये पहले से इंक्लूडेड रहता है। नोटपैड का एक एडवांटेज वर्जन भी होता है जो नोटपैड प्लस के नाम से हम जानते हैं, जिसका यूज हम कुछ प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते हैं और जो कि बेहद
इससे कुछ अलग है। इस नोटपैड में जो भी है इसमें हम कलर को चेंज नहीं कर सकते हैं, जो भी कलर है वो ब्लैक एंड वाइट में ही रहेगा। साथ ही साथ साइज भी जो भी हम बनाएंगे वो साइज सबके लिए एक ही साइज होगा, और नोटपैड प्लस में हम कलर का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये हो गया। अब हमें टूल्स वगैरह का यूज करना है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे लिखते जाइएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एंटर मार देना, लाइन नीचे ब्रेक आ गया। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइल ऑप्शन दिया हुआ, तो फाइल में जैसे हम यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, अब यहाँ पे हम कुछ लिखे तो इस सबसे पहले हम यहाँ पे सेव करते हैं इसको। फाइल में जाएंगे और सेव और सेव अस दोनों के बारे में हम आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हम जैसे जाएंगे फिर इस ऑप्शन पे आ गए। अब यहाँ पे जो भी आप नाम टाइप करना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे टाइप कर दें, और नाम टाइप करने के बाद फिर इसे आप सेव कर लीजिए इस तरह से। तो जैसे आप नाम बना दीजिएगा, जिस नाम से आप फाइल बनाइएगा वो नाम आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे न्यू ऑप्शन दिया हुआ, न्यू मतलब नया पेज आप ओपन कर सकते हैं। ओपन मतलब जो भी कोई नोटपैड का फाइल है, सिर्फ नोटपैड का ही फाइल इसमें ओपन होगा, उस फाइल को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं अपना फाइल का लोकेशन दे करके। और सेव ऑप्शन और सेव अस ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन में क्या डिफरेंट है? यदि किसी फाइल को आप पहली बार सेव कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सेव अस का यूज करना है, या फिर सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद जो सेव का काम होता है, जैसे यहाँ पे अभी इतना चीज़ लिखा हुआ है इस पेज पे, इसमें यदि हम कुछ नया एक्स्ट्रा ऐड करेंगे नाम या नंबर, तो उसके लिए हम अगर चाहेंगे कि नोटपैड के नाम से जो फाइल बनाया हुआ है उसी में हम ऐड कर दें, तब हम यहाँ पे वापस फाइल में आएंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यदि सेव अस का यूज जो अगला है, जैसे यहाँ पे नोटपैड के नाम से हम फाइल बनाए जिसमें इतना चीज़ लिखा हुआ है, उसके अलावा यदि हम चाहते हैं कि फाइल का कुछ नया नाम रखे, तो यहाँ पे सेव अस बटन में जाना है, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। नोटपैड के अलावा जो भी आप नाम रखना चाहते रख सकते हैं। नोटपैड का जो भी फाइल है वो अलग है, और अभी जो भी आप बनाइएगा उसे आप अलग नाम से फाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट जो अगला स्टेप है वो आपका पेज सेटअप है। इस टूल्स की मदद से यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं तो अपने पेज का सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन प्रिंट का दिया हुआ, इस टूल्स की मदद से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ नंबर ऑफ कॉपी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना कॉपी आपको चाहिए। उसके बाद जो अगला ऑप्शन है एक्सिट बटन, जैसे हम बताया कि आपको यहाँ पे क्लोज बटन से भी आप बंद कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हैं नोटपैड को। फाइल में जा करके एक्सिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है वो आपका एडिट का आ रहा है। एडिट टूल्स के मदद से हम जो भी चीज़ इसमें लिखे हुए हैं उसको हम कुछ एडिट कर सकते हैं। जैसे इसमें पहला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है अंडू का। अंडू मतलब होता है बैक। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखे, लैब लिखे, ये बाय मिस्टेक जो है मिट गया। अब हमें इस टूल्स को वापस लाना टेक्स्ट को, तो उसके लिए हमें एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद अंडू कर देना है, या आप इस टूल्स पे जा करके इसका यूज कीजिए। अदरवाइज यदि आपको शॉर्टकट का पता है तो यहाँ पे सीधा CTRL के साथ में जेड प्रेस कर दीजिएगा, वो आपका वापस आ जाएगा टेक्स्ट। आप शॉर्टकट जो बटन है उसका भी यूज यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए सबके आगे में लिखा हो CTRL ZX C Del F इस तरह से। नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है वो आपका कट का है। कट ऑप्शन की मदद से जो भी टेक्स्ट है उसको एक जगह से हटा करके किसी दूसरे जगह पे आप ले जा सकते हैं। सपोज दैट जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ, अब हमें ये यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो टेक्स्ट को हमें कट करना है उस टेक्स्ट को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, वापस हम एडिट में गए, यहाँ पे कट ऑप्शन पे क्लिक कर दिए। कट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा जो भी टेक्स्ट आपका सिलेक्ट था वो उस जगह से हाइड हो जाएगा। वापस आपको अपना एरिया सेलेक्ट कर लेना है, जिस जगह पे आपको टेक्स्ट चाहिए उस जगह पे जा कर के फिर या तो आप कीबोर्ड में CTRL के साथ में भी प्रेस कर दे, या फिर यहाँ पे इस टूल्स में जा कर के CTRL और भी यहाँ पे पेस्ट बटन पे क्लिक कर दे। जैसे आप पेस्ट पे क्लिक कीजिएगा वो टेक्स्ट जो आप कट किए थे वो आपको वापस दिख जाएगा। साथ ही साथ जब तक आप यहाँ पे पेस्ट करते रहिएगा सेम चीज सेम टेक्स्ट आपका वापस आते जाएगा, क्योंकि जब तक आप कोई भी दूसरा टेक्स्ट कॉपी या कट नहीं कर लेते तब तक वही सेम चीज़ रिपीट होते रहेगा। इस तरह से हम कट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं।
कट का यूज किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से हटा करके किसी दूसरी जगह पे लाने के लिए होता है। नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन जो है वो आपका कॉपी का है। तो कॉपी में क्या होता है कि जो कॉपी मतलब होता है डुप्लीकेट, जो भी आपका टेक्स्ट पहले टेक्स्ट नाम या नंबर जो भी है जिस जगह पे वो उस जगह पे तो रहेगा ही, साथ ही साथ जितनी बार आप पेस्ट कीजिएगा उतना नया जो है डुप्लीकेट आपका बना देगा फाइल। तो जैसे हम यहाँ पे कॉपी कर लिए है, अभी हम यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे, पेस्ट करते जाएंगे, देखिए सेम चीज़ मेरा रिपीट होते जा रहा। नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है वो डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। डिलीट ऑप्शन की मदद से जो भी टेक्स्ट आपका सिलेक्ट किया हुआ रहेगा उस टूल्स को आप टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। साथ ही साथ डिलीट करने के लिए कई तरीके हैं, जैसे किसी टेक्स्ट को यदि आप डिलीट कीजिएगा उसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड में जो डेल का बटन होता है उस डिलीट बटन, उस बटन पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा आपका ये डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डिलीट समझ लिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन है मेरा वो फाइंड का ऑप्शन है। फाइंड टूल्स के मदद से यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे फाइंड पे जाएंगे, यहाँ पे एक बॉक्स दिखा देगा, इसमें अब यहाँ पे जो भी चीज़ आपके पेज पे लिखा हुआ है, सपोज दैट जैसे हम यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ लिखा हुआ है। नोटपैड का यूज बहुत एडवांस लेवल में किया जाता है, जैसे बैंक वगैरह में कुछ इसका जितना भी कस्टमर का डेटा वगैरह होता है वो नोटपैड में ही एक्सपोर्ट करके फिर हमें इम्पोर्ट करना होता है, और साथ ही साथ बहुत तरह का काम होता है नोटपैड में। अब यहाँ पे जैसे बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में जो भी चीज़ हम सर्च करना चाहते जो यहाँ पे पेज पे लिखा हुआ पहले से, जैसे सपोज लैब लिखा हुआ, तो यहाँ पे लैब पे जैसे आप क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, अब ये जितने जगह पे आपका लैब लिखा हुआ उस जगह पे आपको लेके जाएगा, यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा। यदि जैसे हम लैब को सर्च करने जा रहे हैं और यहाँ पे पेज पे लिखा हुआ और यहाँ पे लिखने के बाद हम फाइंड नेक्स्ट कर रहे हैं और नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर देना है, अप के बदला डाउन कर देना है, या फिर डाउन पे अगर है तो उसे अप कर देना है। इस तरह से बड़ी आसानी से हम फाइंड टूल्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है वो आपका फाइंड नेक्स्ट। इसी तरह से जैसे अगला नेक्स्ट जो भी होगा उसका हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है रिप्लेस का। इस टूल्स की मदद से कोई ऐसा नाम या नंबर जो कि एक से अधिक जगह पे लिखा हुआ यूज किया हुआ और यदि आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए लैब को चेंज करना है, तो यहाँ पे हम यह जैसे लैब, तो जिस वर्ड को आप चेंज कीजिएगा नाम या नंबर को उसको आपको ऊपर में यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसके बदले में जो भी नाम या नंबर आपको चाहिए वो आपको नीचे में लिख देना है। तो यहाँ पे जो भी आपको चाहिए यहाँ पे हम लिख दिए लैब ऊपर में, क्योंकि हम लैब को चेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लैब रूम, उस तरह से। अब उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ और ढेर सारा ऑप्शन आपको दिखाई देगा जिसमें फाइंड नेक्स्ट का यूज हम कर चुके हैं, रिप्लेस का यूज। अब जैसे यहाँ पे रिप्लेस कीजिएगा तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वन बाय वन होगा। अब जैसे आप रिप्लेस, जैसे यहाँ पे देखिए चेंज हो चुका है, अब जैसे आप रिप्लेस ऑल कर दीजिएगा एक साथ में पूरी जगह पे पूरे पेज में जितना भी है वो सब आपका चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम रिप्लेस टूल्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है वो आपका सिलेक्ट ऑल ऑप्शन है। इस टूल्स की मदद से हम यहाँ पे जितना भी पेज पे कुछ लिखा हुआ उसको हम एक साथ में सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कट करने के लिए, और वापस जब भी आपको डीसेलेक्ट करना है जो भी खाली जगह है, इस तरह से आई जो दिखाई दे रहा है आपको, कहीं पे भी आप एक बार क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी सिलेक्टेड एरिया था वो आपका अनसेलेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है वो आपका डेट एंड टाइम का ऑप्शन है। इस टूल्स की मदद से जो भी कंप्यूटर में आपका अभी करंट टाइम चल रहा है, डेट चल रहा है, उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एडिट में आना होगा और यहाँ पे टाइम एंड डेट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ इसका शॉर्टकट से भी आप यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड में F5 बटन यूज कीजिएगा, उस टूल्स की मदद से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एडिट टूल्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है वो आपका फॉर्मेट का है। फॉर्मेट में वर्ड वार्प और फॉन्ट। वर्ड वार्प की मदद से जैसे यहाँ पे हम कोई भी चीज लिख रहे हैं इस तरह से, देखिए तो अभी हम जैसे लिखेंगे तो क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली ये पैराग्राफ चेंज हो जाता है लाइन पेज वाइज। और जैसे यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, वर्ड वार्प पे क्लिक कर देंगे, अब आप यहाँ पे जो भी चीज लिखिएगा
वो जब तक आप एंटर नहीं प्रेस कीजिएगा कंटिन्यू आपका लाइन चलते रहेगा। इस तरह से यदि आपको कभी भी परेशान प्रॉब्लम हो रहा है जब आप नोटपैड चला रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट में जा करके वर्ड वर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा, अपने आप लाइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगला ऑप्शन है वो आपका फॉन्ट का है। फॉन्ट टूल्स की मदद से जो भी टेक्स्ट आप पेज पे लिखना चाह रहे हैं या फिर लिखे हुए हैं उसमें आप साइज चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉन्ट पे जाना है, कुछ इस तरह से बॉक्स दिखाई देगा जिसमें यहाँ पे आप हिंदी में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी लिखने के लिए आपको कुर्ती देव का जरूरत पड़ेगा, साथ ही साथ इंग्लिश के लिए भी अलग अलग तरह का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे कुछ इफेक्ट दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे साइज दिया हुआ। इसमें जो भी चीज़ आप लेना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर दे, साइज चेंज हो जाएगा। मेन चीज़ क्या है कि जो भी साइज आप सिलेक्ट कीजिएगा पूरे पेज पे जितना भी टेक्स्ट है वो सब में अप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे कि सिर्फ एक वर्ड को हम सिलेक्ट किए और इसमें अप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो आपका व्यू का है। व्यू मतलब ऐसे कुछ हेल्प ऑप्शन दिया हुआ, नोटपैड के बारे में जान सकते हैं आप। यहाँ पे अबाउट नोटपैड पे जाइएगा तो कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा, आप इसका यूज कर सकते पढ़ सकते, बस ऐसे दिया हुआ। तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते फिर किसी अगले वीडियो में, धन्यवाद।